है जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खबरें। शिवसेना जिला अध्यक्ष ने कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर स्नान घाट पर गंदगी देखकर जताया रोष। अफजलगढ़, सिंचाई विभाग का लागत की शिथिलता से जगह जगह गंदगी का अंबार, संक्रामक रोग फैलने का खतरा। अफजलगढ़ शिवालिक पर्वतमाला से उद्गमित पवित्र गंगा नदी की सहायक रामगंगा नदी पर बने अफजलगढ़ बैराज कालागढ़ के निकट लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का शिवसेना जिलाध्यक्ष चौ संजय राणा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के साथ जायजा लिया। पवित्र रामगंगा नदी की जलधारा में दुग्धाभिषेक कर विधि विधान पूर्वक मेले का शुभारम्भ किया जाएगा। सिंचाई विभाग कालागढ़ द्वारा स्नान घाट पर अभी तक कोई साफ सफाई नहीं कराई गई है। जगह जगह ईंट के रोड़े एकत्र हैं, सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें तत्काल हटाया जाना नितांत आवश्यक है। शिव सैनिकों ने भिक्कावाला से बैराज तक जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होने पर सिंचाई विभाग की अनदेखी पर रोष व्यक्त करते हुए आंदोलित होकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। चौ संजय राणा ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तथा सिंचाई विभाग मुस्तैद रहेगा। श्रद्धालुगण एवं दुकानदारों को कोई असुविधा न रहे इसका प्रयास किया जा रहा है। सामान्यतः मेला 13 नवंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा, किंतु मुख्य मेला एवं स्नान 15 नवंबर को होगा। उन्होंने सिंचाई विभाग कालागढ़ के अधिकारियों से वार्ता कर बैराज पर बने स्नान घाट पर साफ सफाई कराने, प्रकाश व्यवस्था, जलस्तर सचेतक बल्लियों पर झंडी लगाने, सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने एवं कालागढ़ जलाशय से न्यूनतम स्तर पर जल निकासी कराने का अनुरोध किया ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। इस अवसर पर सरदार कुलदीप सिंह, मनवीर सिंह यादव, ऋतिक राणा, महेंद्र सिंह सिरोही, बदन सिंह सांगवान, आदर्श सिंह, सतीश सांगवान, रोहित राणा, महेंद्र सिंह, दिनेश रावत, सतीश आर्यन, दीपक गुलिया, वीरेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह सैनी, विजेंद्र सिंह कलकल, पंकज शर्मा एवं डा सी पी सिंह आदि गणमान्य जन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता संगम चौहान की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। ये बताओ कि जहाँ मेला लगेगा ये किसी विभाग की जमीन या किसी विभाग का साफ सफाई जैसे मेला लगा छोटा मोटा मेला लगता नहीं है, नजरन का तगड़ा मेला लगता है। साफ सफाई का तो ये साफ कर रहे हैं, टाइगर घूमता पता ही आता है। ये तो सब फोर्स एरिया में संजय राणा बोले छोड़ो उसका, ये तो फॉरेस्ट वालों को ज्यादा खतरनाक है सरका होता है, ठीक है। नहीं तो जिसने ये यहाँ पे मटेरियल डाला उसी को बोलो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलवाया, अगर तुम्हें अपना दुकान वगैरह लगानी है यहाँ पे और ये जो है ना फॉरेस्ट में पेड़ ही तो आते होंगे, लेकिन नीचे जो कचरा पड़ा है ये फॉरेस्ट में थोड़ी आ रहा कचरा, जो ये फॉरेस्ट का थोड़ी कचरा है। पेड़ फॉरेस्ट में होंगे चलो मान लिया, लेकिन कचरा जो पड़ा है ये तो दुकानें तो रोड पे ही लगे हैं, दो महीने रोड में लगे, ये तो फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी आ रहा है। ये शौचालय भी कम पड़ा है, महिलाओं का दिक्कत हो सकती नहीं रहेगी। एक दो टेम्परेरी शौचालय जैसे कि एक बाथरूम वगैरह जो है वो भी जो है मेले में होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट के आदेश हैं, आप करो ना करो चाहे इसको। ये तो साफ सफाई है, मेले तो नहीं लगेंगे।
बस